तो ये देखो प्यारे बच्चों ये सवाल क्या कहा जा रहा है ये एक क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सबसे पहले म्यू नॉट एफसली इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ सी एफसाली नॉट म्यूट कॉरस्पॉन्डिंग क्वान्टिटी इन ए मीडियम देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम याद करो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या एन से डिनोट करते थे एन से डिनोट करते हैं उसकी जो स्पीड जो डिफिनेशन होती है वो क्या होती थी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम तो जो होती है इलेक्ट्रो मैगनेटिकालिड नॉट म्यू नॉट अंडर रूट होती है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रो वेव इन वैक्यूम और इन वैक्यूम इन वैक्यूम तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रो वेव इन वैक्यूम दिस इज द ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है अब दूसरा जो है स्पीड इन ए मीडियम किसी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड भी जो है वन अपान यहाँ से एफसाइलिन और म्यू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम ठीक है ना इसको तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सी बाई वी में रख दो तो सी रखोगे तो वन अपान एफसाइलिन नॉट म्यू नॉट यहाँ से और ये अंडर रूट आ जाएगा और ये अंडर रूट आ जाएगा एफसाइल इन मी कुल कुल मिला के एफसाइल इन मी अपान एफसाइल इन नॉट मी नॉट अंडर रूट दिस इज द वैल्यू ऑफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी ऑप्शन सही है